वेलकम टू मैथ क्लास चैनल। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट हमने करना है 12 degree 23 minute और 35 second को डेसिमल डिग्रीज में। ठीक है, सिंपल, हमने डिग्रीज में कन्वर्ट करना है इसको। तो ये साइन जो है ना, ये मिनट का होता है, ये सेकंड का और ये डिग्री का। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पर, 12 degree 23 minute 35 second को राइट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं ऑलरेडी डिग्री में, तो इसको जो है हम एज इट राइट कर देते हैं यहाँ पर। और ये जो है ना, ये मिनट में है, तो मिनट को जो है ना हम डिग्री में लाने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, याद रखना है, मिनट से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड करना है, और डिग्री से मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, लेकिन अभी ये याद रखो कि हम मिनट से डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 60 से डिवाइड कर देना। और जब हम यहाँ पर, हमारे पास सेकेंड है, तो सेकेंड को जब हमने डिग्री में लेके आना है ना, तो हमने 60 into 60 से डिवाइड कर देना, मतलब 3600 सेकेंड्स है ना। ठीक है, तो 1 hour में मिनट 60 होते हैं, इस तरह से याद रख लो। और जो है ना, 1 hour में 60 minutes है और 1 minute में 60 seconds हैं, तो ये सेकेंड्स और ये मिनट्स को शो कर। ठीक है, इस तरह से। और फिर हम यहाँ पर राइट करते हैं कि इसको भी, जब भी हमने मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है ना, तो उसको 60 से डिवाइड कराया, तो ये जब हम सॉल्व करेंगे डिग्री में आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये सेकंड में है, तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, डिग्री में, तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 into 60 से हमने डिवाइड करा रहे हैं, तो यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे डिग्री में आंसर आ जाएगा। ये 12 degree है, इसको सॉल्व करो ना, डिवाइड करो, तो देखो क्या आता है, 0.3833 degree। ठीक है, इसी तरह मैं इसको डिवाइड करके देखती हूँ, 0.00972। ठीक है, ये कैसे सॉल्व होगा, 35 divided by 3600, 3600 से डिवाइड कर लो, बिकॉज 60 into 60 3600 होता है, 3600 होता है। ठीक है, इसको डिवाइड करके आपके पास क्या आ जाना, ये आ जाना, 35 को 3600 से डिवाइड करो, ये आ जाएगा। अब ये सारे डिग्रीज में हमारे पास आ गया, अब हम इनको ऐड कर देंगे, तो हमें डिग्री में आंसर चाहिए था, वो आ जाएगा 12.393 degree हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था हमारे पास 12 degree 23 minute और 35 seconds, तो मैंने इसको जो है ना कन्वर्ट कर दिया डिग्री में। इस तरह से सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को। ठीक है, मैंने और भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं कि कैसे हम जो है ना सॉल्व करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के नेम से प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पर, वहाँ पर आप जाकर सारी वीडियोस को चेक कर सकते हो, वहाँ पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर। एक दफ़ा और देख लो, जब भी डिग्री मिनट और सेकंड में हो और कहा जाए कि डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो ये तो ऑलरेडी डिग्री में, इसको कुछ ना करो। ये मिनट में है, तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर दो। ये सेकंड में है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 into 60 से डिवाइड कर दो, मतलब 3600 से। एज इट आ जाएगा, इसको डिवाइड करो, इसको डिवाइड करो, देन सबको ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। चलें जी।